my dear friends now i am taking leaves by a disabled person according to section 95 of the code first a bhuidhar or an asami holding land from a gram panchayat may let out the whole or part of his holding for a period not exceeding 3 years at a time if

मिलती है उसे अलॉट की जाती है वो उसको लीज पर दे सकता है मैक्सिमम तीन साल के लिए दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता जो डिसेबल्ड नहीं है वो नहीं दे सकता ये है सेक्शन 95 लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है डिसेबल्ड अब पंचायत किसको मानती है या गवर्नमेंट किसको मानती है डिसबल्ड पर्सन वो होगा जो इन दस कैटेगरीज में से किसी एक में भी शामिल है जैसे ए ए मेंटली इल और मेंटली रिटायर्ड पर्सन यानी पहली कैटेगरी क्या है साथियों जो व्यक्ति दिमाग से तंदुरुस्त नहीं है यानी जिसका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं करता है उसे मेंटली रिटायर्डेड पर्सन कहते हैं वो भी डिसेबल्ड पर्सन है सेकंड बी ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ कल्टीवेशन बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल इनफर्मिटी डिसेबल्ड पर्सन वो भी है जो कल्टीवेशन के लिए योग्य नहीं है यानी वो अपनी खेती नहीं कर सकता है किसी भी कारण से यानी कोई भी शरीर की उसकी अपनी कमजोरी हो सकती है हाथ से पैर से और किसी प्रकार से वो भी डिसेबल्ड है थर्ड ए डाइटी और ए वक्फ यानी देखो वक्फ वक्फ बोर्ड जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है यानी इसको भी जो दी जाती है पंचायत से कोई जमीन डायटी को या वक्फ को भी दी जाती है वो भी लीज़ पर तीन साल के लिए मैक्सिमम दे सकते हैं यानी डायटी और वक्फ के अंदर जो भी व्यक्ति आते हैं वो भी डिसेबल्ड कैटेगरी में होते हैं डी ए विडो और अनमेरिड वो को भी मान लिया और अनमेरिड वुमेन यानी जो अनमैरिड है जो अविवाहित है उसको भी डिसेबल्ड की कैटेगरी में रख लिया और यदि उसके पास पंचायत से कोई जमीन है तो वो भी लीज पर दे सकते हैं तीन साल के लिए मैक्सिमम फिफ्थ कैटेगरी माई डियर फ्रेंड्स मैंने चार कैटेगरी अभी बताई थी डिसेबल्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं फिफ्थ कैटेगरी यानी ए ए मैरिड वुमेन प्रोवाइडेड सीज डाइवोर्स और हैज़ बीन जुडिशियली हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम हरसबेंट और लिविंग सेपरेटली ऑन अकाउंट ऑफ क्रुलिटी ऑफ अर हस्बैंड और हर हसबैंड रिलेटिव साथियों पांचवी कंडीशन क्या है ये एक मैरिड वुमेन के लिए कंडीशन है या तो जिसका तलाक हो चुका है या अपने हस्बैंड से अलग रहती है उसने अलग रहने का कारण क्या है उसने उसको छोड़ दिया है यानी अपने पास वो नहीं रखता है उसे और क्या कारण हो सकता है यह जुडिशियली आदेश है अपने हसबेंड से अलग रहने का ये थर्ड कंडीशन फोर्थ क्या है लिविंग सेपरेटली ऑन अकाउंट ऑफ ऑफ हर हसबेंड और, और, और चौथा कंडीशन क्या है ये है कि वो अपने हस्बैंड से उसकी यातनाओं के कारण अलग रहती है पांचवी कंडीशन क्या है उसके लिए वो हस्बैंड की क्रुअलिटी से नहीं तो हस्बैंड के रिलेटिव की क्रुअलिटी से अलग रहती है यानी हस्बैंड के रिलेटिव उसे तंग करते हैं ये देर आर फाइव कंडीशन साथियों इस पांचवी कंडीशन में एक मैरिड वूमेन भी डिसेबल्ड कैटेगरी के अंदर आती है ये भी उसमें ये पांच बातें हैं या तो उसका डाइवोर्स हो चुका है या उसका हस्बैंड उसे छोड़ चुका है उसको साथ नहीं रखता या कोर्ट ने उसको अलग रहने के लिए आदेश दिया है या वो अपने हस्बैंड की क्रुएल्टी से यानी उसकी यातनाओं से अलग रहती है या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं उनकी यातनाओं से के कारण अलग रहती है ये पांच कंडीशन है उस वुमेन की जो अपने हस्बैंड से अलग रहती है उसको यदि ग्राम पंचायत से जमीन मिलती है तो वो उसे लीज पर मैक्सिमम तीन साल के लिए दे सकती है छठी कंडीशन ए माइनर फादर इज आइदर डेड और ही बिलोंग्स डिसेबल्ड एक माइनर है, minor कौन से होते हैं जो तो साल से कम होते हैं जो माइनर कैटेगरी या माइनर एक्ट के अंडर जो आते हैं यानी या तो उसके फादर की डेथ हो चुकी है या उसका फादर भी मेंटली डिसेबल्ड है तो वो माइनर भी अपने गार्जियन के द्वारा उस जमीन को लीज पर दे सकता है सेवंथ कंडीशन ए पर्सन बिलो थर्टी फाइव इन एज हु स्टडीज इन एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फादर इज़ डेड। एक, एक व्यक्ति जो पैंतीस पेंत, साल से छोटा है और वो अपनी स्टडी किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन में जारी किए हुए है और साथ में कंडीशन क्या है उसके फादर की डेथ हो चुकी अब देखो जमीन को कौन देखे वो तो पढ़ाई कर रहा है फादर की डेथ हो चुकी है इस कंडीशन में भी वो अपनी जमीन को लीज पर दे सकता है मैक्सिमम तीन साल के लिए आठवीं कंडीशन ए पर्सन सर्विंग इन द मिलिट्री एयर फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया और इज वाइफ और हर हसबैंड लिविंग विद हिम और हर ये देखो दोनों के साथ कंडीशन है या तो वो व्यक्ति मिलिट्री में है एयरफोर्स में है या नेवी के अंदर है या वो लेडी मिलिट्री में है एयरफोर्स में है या नेवी में है और उसका हस्बैंड उसके साथ रहता है या हस्बैंड इस सर्विस में है तो वो उसकी वाइफ साथ रहती है इस कंडीशन में वो जमीन को लीज पर दे सकते हैं जो उसे ग्राम पंचायत से मिली है मैक्सिमम तीन साल के लिए नाइन्थ कंडीशन एनी अदर पर्सन हुई इज अनेबल टू कल्टिवेट हिज होल्डिंग फॉर दी स्क्राइब रीजन कोई भी ऐसा व्यक्ति इन कैटेगरी से अलग कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ज़मीन को कल्टीवेट नहीं कर सकता उसमें खेती नहीं कर सकता किसी भी कारण से जो जितने भी रीजन ऊपर बताए हैं यदि ये प्रस्क्राइब रीजन में कोई व्यक्ति आता है और वो खेती नहीं कर सकता है वो भी अपनी होल्डिंग को लीज पर दे सकता है अब दसवीं कंडीशन साथियों एनी पर्सन अंडर डिटेंशन और अंडर गोई इंप्रिजमेंट दसवीं कंडीशन देखिए साथियों यानी कोई व्यक्ति या पुलिस के कस्टडी में है या उसकी सजा हो चुकी है वो जेल में है दोनों ही केसेस में वो व्यक्ति अपनी जमीन को जो पंचायत से ग्राम पंचायत से उसे मिली है वो भी लीज पर दे सकता है क्योंकि वो खुद तो कर नहीं सकता वो प्रेजेंट है ही नहीं तो इसलिए इस कंडीशन में वो भी अपनी लीज जमीन को लीज पर दे सकता है साथियों एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं ग्राम पंचायत से जो जमीन मिलती है सेक्शन 95 के अंडर वो लीज पर दी जा सकती है डिसेबल्ड पर्सन के द्वारा मैक्सिमम तीन साल के लिए आम आदमी नहीं दे सकता डिसेबल्ड पर्सन दे सकता है तो वो डिसेबल्ड कौन से हैं वो मैंने दस कैटेगरी आपके सामने अलग अलग बताई इन दस कैटेगरी में जो भी व्यक्ति लाई करता है वो ग्राम पंचायत से मिली हुई जमीन को तीन साल के लिए लीज पर दे सकता है ये है साथियों पूरा क्वेश्चन तो मैंने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है और मैं ऐसा समझता हूं कि आपके समझ बहुत अच्छी तरह आ गया होगा क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन है और in the last my dear friends i want to make a request to you please subscribe my channel and the name of my channel is maths by dharambir singh dabas so in the end i want to make request again to you